इस वक्त हम मौजूद हैं हावड़ा जिले की बाली विधानसभा सीट पर, और यहाँ पर उन प्रत्याशियों का तो एग्जाम जरूर है, लेकिन ये तो एक तरीके से टीचर की भूमिका में है, यानी कि ये जो वोटर हैं ये तय करेंगे कि प्रत्याशी उम्मीदवार पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा है। लेकिन यकीन मानिए ये तस्वीर बहुत ही सुखद तस्वीर कही जा सकती है लोकतंत्र के लिहाज से, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और अच्छी तस्वीर ये भी है कि लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन नहीं हो पा रहा, लेकिन मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ये इस वजह से अच्छी कही जा सकती है क्योंकि बंगाल में जगह जगह पर हिंसा की भी खबरें आ रही, तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इस सबके बीच में जिस तरीके से तस्वीरें हैं ये देखिए, किस तरीके से पूरे कॉलेज परिसर में जितने भी बूथ बने हुए हैं वहाँ पर इस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जोश और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। उम्र दराज महिलाएँ भी हैं, उम्र दराज पुरुष भी हैं, और देखिए सुबह से जो घरों से निकले हुए हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसको मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पर इसको देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव होते हैं, और उसमें लोगों की सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। हाथों में अपने जो है पहचान पत्र लेकर के आए हैं, दूर से दिखा रहे हैं, ये भी एक उत्साह है। और यही जो देखने को मिल रहा है इस वक्त बाली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मतदान कर रहे हैं। तो एबीपी न्यूज़ भी आपसे ये अपील कर रहा है, ये लोग अपने घरों से निकल सकते हैं, अगर आपके इलाकों में भी हो रहा है मतदान तो घरों से निकलिए और लोकतंत्र के उत्सव में शरीक होइए, क्योंकि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बाली विधानसभा क्षेत्र से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।